आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख अगर हंसी मजाक वाली बात है तो कर, ये लोग एक हफ्ते से इसलिए इंतजार नहीं कर रहे कि हम लोग जरूरी बात करें। अरे मैं आपके सिर का बोझ हल्का करने आई हूँ। अबे जा जा, तलाक की झूठी खबर मत दे मेरे को, चल। शट अप। मैं नौकरी की बात कर रही हूँ। मैं नौकरी करूंगी, आपके सारे कर्ज उतार दूंगी। रेलवे के फॉर्म्स निकले हैं, सोचा भर दूं। टीटी की टोपी जैसा तेरा मुंह है, तेरे को रेलवे में कौन रखेगा? देखो टीटी की टोपी आ गई। देखो शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मेरे ताऊजी ट्रेन के ड्राइवर है, तो वो मेरी सिफारिश करेंगे और भर्ती करवा देंगे। ट्रेन के ड्राइवर की सिफारिश चलेगी? वाह, जानता हूँ इसके ताऊ को। इसका ताऊ इतना बेवकूफ आदमी ना भाई, उसकी ट्रेन में मैं एक बार गया, हर जगह रास्ते में रोक रोक के लोगों से पूछ रहा है, भाई साहब ये पटरी दिल्ली को जाती है? अबे जा काम पर जाके, और आगे जाके हद कर दी बाजी उसने। एक फाटक आया, एक किलोमीटर पहले ट्रेन रोक ली। मैंने कहा क्या हुआ था, रोक ली? अरे देख नहीं रहा फाटक बंद है, कोई ट्रेन आने वाली होगी। चल रेलवे में नौकरी करनी ना, नॉलेज होनी चाहिए। एक बात बता, सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई थी? पता नहीं, मिल जानी है। किसको भी पूछ लो, ऑटो रिक्शा किसने चलाया था? झट से बता दे कि मेरे डैडी ने। जीजू, जीजू, जीजू। एक तो ये इसके चाचा का लड़का लानत भेजता, तू क्या करने आया? ये इतना कमीना आदमी ना, जब शादी हो रही थी ना मेरी, अपनी बहनों के साथ मिलकर मेरे जूते चुराए। मैंने कहा भाई शगुन और जूते वापस करो। कहते शगुन नहीं चाहिए, हमें जूतों की बड़ी सख्त जरूरत है। बाद में देखा फेरों पे वही जूते इसकी बहन पहन के बैठी हुई थी। चल। अरे जीजू एक खुशखबरी है। हाँ? मां बनने वाला है? नहीं नहीं जीजू, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ? जैसा तेरा पेट है ना, तेरे जैसों का कनेक्शन गैस के चूल्हे के साथ होता है। तेरे जैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। याद है, सारा कुछ याद है मेरे को। हाँ? आदमी को जज्बा होना चाहिए, एक दिन में सब कुछ याद कर लेता है। तो भाई याद है एक बार मेरा पेट खराब था और हमारा कमोड जाम था, उस एक दिन में मैंने सारी ट्रेनों के टाइम याद रख लिए थे। बढ़िया ही तू। हाँ, बस यही करते रहो, या तो घर पे या तो रेलवे की पटरी पे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाथरूम। अच्छा हम ही लोग करते, तुम लोग तो बाथरूम में जाके वीडियो डाउनलोड करती हो।